होल्ड बैक मीन्स कंटेन और स्टॉप. सो होल्ड होल्ड बैक, बैक लाइक होल्ड. वी होल्ड बैक आर फियर्स, वी होल्ड बैक आर टीयर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम फीलिंग एंग्री एंड आई डोंट वांट टू शो, सो आई विल से दैट आई एम होल्डिंग बैक माय एंगर. लाइक आई एम एंग्री विथ यू बट आई एम नॉट शोइंग, ओके, आई एम स्माइलिंग एंड आई एम लाइक ओके ओके ओके, सो आई एम होल्डिंग बैक माई एंगर. आई वॉन्ट टू क्राई बट आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, आई फील लाइक क्राइंग बट आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, सो आई एम होल्डिंग बैक माई टीयर्स. So we I can say like I want to sleep, but my work hold back me to work. आई वॉन्ट टू स्लीप बट But my work is forcing me hold back me to do the work. माई वर्क इज होल्डिंग मी बैक. सो यू विल से माई वर्क इज होल्डिंग मी बैक. आई वॉन्ट टू स्लीप बट माई वर्क इज होल्डिंग मी बैक. Yes. ओके, So, yeah. So नेक्स्ट वन. hold down means to restrain, to check. You hold him down while I search him. Yes, like the police, they hold someone down on the ground and then they search them, right? Like किसी को जमीन पे रोक के रखना, या जमीन या बेड या कोई सोफा है, कोई बैठा है तो उसको पकड़ के अगर आपने ऐसे बिठा के रखा है तो यू आर होल्डिंग हिम डाउन. So we can say like you can hold in the chair so that I can repair the fan. ओके, यू कैन होल्ड डाउन द चेयर. You can hold down the chair so that I can repair the fan. यस, नो, यू कैन से यू कैन होल्ड डाउन द चेयर व्हाइल आई रिपेयर द चेयर, चेयर्स फुट और चेयर्स आर्म. या बिकॉज आप होल्ड डाउन मींस किसी चीज को नीचे पकड़ के आपने रखा हुआ है ऐसे, ओके, अच्छा. चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो. ओके, जैसे कि कोई डॉग है. ओके, आप जब किसी डॉग को वेट के पास लेके जाते हैं और उसका कान क्लीन कराना है या कुछ कराना है तो आप उसको ये पकड़ के रखते हैं ना, तो आप उसको, डॉक्टर आपको कहेगा प्लीज होल्ड डाउन योर डॉग और होल्ड योर डॉग डाउन. ओके, या होल्ड हिम डाउन. सो आप अपने डॉग को ऐसे पकड़ के रखोगे जब वो उसके ईयर्स क्लीन करेगा. दैट इज व्हाट यू कॉल होल्ड डाउन, किसी को अपने फोर्स से पकड़ के रखना. ओके, होल्ड डाउन मींस ओके. सो वी कैन से लाइक होल्ड डाउन. आई टुक माय वाइफ टू द डेंटिस्ट एंड आई होल्ड हर डाउन, या आई आई होल्ड हर डाउन और आई हेल्ड हर डाउन व्हाइल द डॉक्टर वाज डूइंग अ चेकअप. While doing the checkup, yeah. या मतलब योर वाइफ इज स्केयर्ड ऑफ द डेंटिस्ट सो यू हैव टू हेल्ड हर. ओके, So we can सो say like doctor used to hold down the patients when. डॉक्टर वाज डूइंग हिज वर्क एंड यू वर होल्डिंग योर वाइफ डाउन, सो यू नो शी डज नॉट शेक लाइक दिस और शी डज नॉट. ओके, अनदर एग्जांपल, योर वाइफ इज गेटिंग एन इंजेक्शन एंड शी इज स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन, सो यू हैव Don't टू hold it होल्ड down. हर. Oh, या yeah. Lean You down, have yeah. to hold her down so she does not move. Okay. Yeah. So generally, police is holding down the criminals, criminal, and the another police is, offenders. yeah, and another police is going to hit them. Yeah, hit him, search him, anything. Yeah. Can search him, yeah. Okay. Next one, hold him. Hold in means. That is completely restrain oneself. He wanted to laugh and could hardly hold in. Yes, it means to control yourself. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ कॉन्फ्रेंस एंड यू वॉन्ट टू लाफ Laugh, yeah. So I यू hold हैव in myself. या सो यू हैव टू होल्ड इन योर सेल्फ, Yeah. यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ दैट यू नो आई एम इन अ मीटिंग सो आई कांट लाफ, सो दैट इज व्हाट यू कॉल होल्डिंग इन. So yeah, in the interview he in the in, no not in interview in inter, yeah, in the interview the manager asked me some irrelevant questions,
where I am getting a lot of what fallback combo, which one is very used, there is which one where we can laugh, comedy shows. No, actually one more sentence, one more phrase is there, na, to laugh loudly. Cracking up. So yeah, in the interview manager asked some silly questions, so I want to crack down, but I hold in myself. Okay, you wanted to crack up. Yeah, but you held yourself. Yes, I held in. So. Okay, great. So we will meet tomorrow. You can tell me if you're free, or you can tell me.